वेलकम टू वी लर्न चैनल, वी आर कनेक्टेड नाउ। बड़ी खुशी की बात है कि वी आर मीटिंग इन द मैथ सेशन एंड दिस इज अवर सेकेंड सेशन। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करती हुई बस इतना कहूंगी, इफ यू आर न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब इट एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट। फ्रेंड्स, और एक महत्वपूर्ण बात, वीडियो आखिरी तक देखिए ताकि आपको नंबर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर समझ में आए जो कि बेसिक्स है अपने मैथमेटिक्स में। In the last video, we have studied what are the prime numbers. Today, I am not going to talk about prime numbers, but different numbers, जो दूसरे numbers है, different types of number. With a very creative way, I am going to teach you. With a story, friends, कुछ दिनों पहले, we went to the beach, my family went to the beach. और beach बहुत अच्छा था, beautiful beach with so many coconut trees, खूब नारियल के झाड़ होते. I told my daughter, टू काउंट द नारियल के झाड़ को, काउंट करो बेटा। और मेरी बच्ची ने काउंटिंग शुरू की। कहां से काउंटिंग की फ्रेंड्स? जैसे आप और मैं काउंटिंग करते हैं, 1, 2, 3, 4, और काउंटिंग उसकी शुरू थी जब तक शी डिडंट काउंट ऑल द ट्रीज। सो जहां से हम काउंट करते हैं कोई ऑब्जेक्ट्स को, कोई चीजों को, किस जो हम ऑब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं उसे हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। So all the numbers which are used for counting, which begin with 1, are called natural number. तो सारे नारियल के झाड़ के जो नंबर से 1 से वो नेचुरल थे। Then I told my daughter कि उस बीच पे कितने घर है काउंट करो। मेरी डॉटर इधर उधर देखने लगी, पूरा बीच चारों ओर देखा, देर वॉज नॉट अ सिंगल, एक भी घर नहीं था, एक भी हाउस नहीं था वो बीच पे। एंड देन शी सेड, मम्मा देर आर जीरो, जीरो हाउसेस, एक भी घर नहीं है। सो देर वॉज जीरो, देर वॉज नो हाउस, शी डिडंट इवन फाइंड, एक भी घर नहीं मिला, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, चार भी नहीं। सो ऑल द नेचुरल नंबर्स अलोंग विथ जीरो, सारे नेचुरल नंबर्स विथ जीरो के साथ उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या, होल नंबर। सो वी हैव सीन नेचुरल नंबर, होल नंबर, क्या डिफरेंस है? होल नंबर्स बिगिन विथ जीरो, नेचुरल नंबर बिगिन विथ 1। देन उस बीच पे एक बहुत सुंदर जहाज था, बहुत बड़ा जहाज था और वो पानी के ऊपर था। नाउ वो जो जहाज था वो इतना अच्छा था, तो आई सेड, मैंने कहा मेरी बेटी को इसकी हाइट कितनी होगी, क्या, हाउ विल वी काउंट द हाइट? तो शी सेड मी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उसने मुझसे कही, मम्मा ये जितना पानी के ऊपर है थोड़ा वो पानी के नीचे भी उसकी हाइट है, तो नीचे की हाइट हम कैसे काउंट करेंगे, ऊपर की तो हमें पता है कैसे, वी कैन काउंट इट। 5 फीट है, 10 फीट है, 5 मीटर है, 10 मीटर है, नीचे की कैसे काउंट करेंगे? तो आई सेड नीचे की हम बिलो सी लेवल की हाइट हम कैसे नेगेटिव में काउंट करते हैं, -1, -2, -3। सो ऑल द नंबर्स विच आर पॉजिटिव एंड निगेटिव आर कॉल्ड इंटीजर्स, जैसे -3, -2, -1। सो इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं, प्लीज रिमेम्बर। बोर्ड का एग्जाम्पल हमेशा याद रखिए, व्हाट आर इंटीजर्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पानी के ऊपर, पानी के नीचे भी हाइट, कैसे काउंट करेंगे नीचे, नेगेटिव में भी। सो ऑल द नेगेटिव नंबर्स माइनस साइन उस पर लगती है, पॉजिटिव नंबर्स में कोई साइन नहीं रहती, बट नेगेटिव में माइनस साइन हमेशा रहती है। देन वी हैव सीन इन द लास्ट वीडियो व्हाट आर इवन एंड ऑड नंबर्स। इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, 2 से जो नंबर डिवाइड होते हैं उन्हें इवन कहते हैं, ऑड जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे कि 3 है, 5 है, 7 है, फॉर एग्जाम्पल, जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता उसे ऑड, विषम नंबर अपन बोल दो, विषम संख्या। प्राइम नंबर वी हैव सीन मागच्या क्लास मध्ये आपण शिकलो आहे, जो नंबर 1 से ज्यादा है, वुड ग्रेटर देन 1, विच इज डिविजिबल बाय द नंबर इटसेल्फ फॉर 1, यानी जो 1 च्या टेबल मध्ये येतो आणि स्वतःच्या टेबल मध्ये येतो त्याला प्राइम नंबर म्हणतात। आणि जे नंबर प्राइम नाही आहेत त्यांना कंपोजिट नंबर म्हणतो आपण, म्हणजे प्राइम नंबरला फक्त 2 टेबल मध्ये येतात, 2 फॅक्टर्स, स्वतःचा टेबल आणि 1 चा टेबल, 1 पेक्षा जास्ती असतात, तसेच कंपोजिट पण 1 पेक्षा जास्ती असतात, पण ते 2 जबर फॅक्टर्स असतात, फॉर एक्झाम्पल 4
फोर इस नंबर कौन से टेबल में आता है? फोर कम्स इन द टेबल ऑफ वन, इन द टेबल ऑफ टू, इन द टेबल ऑफ फोर. एक दोन चार किती फैक्टर्स झाले? तीन फैक्टर्स, तीन चा टेबल नी, तीन नंबर ने डिवाइड होतो. सो फोर इज अ कंपोजिट नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर सिर्फ दो ही फैक्टर्स. सो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, आठवण ठेवा, लक्षात ठेवा, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज फोर. क्योंकि वन ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, ग्रेटर देन वन होते हैं सारे नंबर. फोर इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज टू, वो जो इवन, ओनली वन इवन नंबर विच इज प्राइम नंबर इज टू. सो फ्रेंड्स, आगे वी विल सी सम मोर टाइप्स ऑफ नंबर्स. फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू सी व्हाट आर रैशनल नंबर्स एंड व्हाट आर इरैशनल नंबर्स, वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर टाइप्स ऑफ नंबर्स. सो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स, ऑल द नेचुरल नंबर्स विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. फ्रैक्शन के फॉर्म में जो नंबर्स लिख सकते हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस एंड द डिनोमिनेटर, वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो, द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स. एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ. टू अपॉन थ्री, दिस इज अ नंबर विच इज न्यूमरेटर इज टू, डिनोमिनेटर इज थ्री. नाउ क्यू यानी द डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो, सो दिस इज अ रैशनल नंबर. थ्री अपॉन जीरो, डिनोमिनेटर इज जीरो, सो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. फाइव अपॉन सेवन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन एंड दिस इज नॉट जीरो, सो दिस इज अ रैशनल नंबर. नाउ वी विल सी व्हाट आर इरैशनल नंबर्स. इरैशनल नंबर्स किसे कहते हैं? इरैशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर नॉट रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. इस फॉर्म में नहीं लिखे हुए जो नंबर्स है उन्हें हम इरैशनल नंबर्स कहते हैं. ऑल द नंबर्स जैसे स्क्वेयर रूट ऑफ टू, स्क्वेयर रूट ऑफ थ्री, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है? नो, दिस इज नॉट इन दिस फॉर्म, इट इज इन अ डिफरेंट फॉर्म. सो दीज आर इरैशनल नंबर्स. सो वी हैव सीन रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू, इरैशनल नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू. सो विद दिस वी हैव सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, द होल नंबर्स, द नेचुरल नंबर्स, द प्राइम, द कंपोजिट, द इंटीजर्स, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट्स. फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बेसिक्स टू डू द लॉजिकल प्रॉब्लम्स, रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स. होप यू लाइक द वीडियो. We'll meet you in the next video. Thank you so much.